हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्या आर एस अकेडमी। जैसा कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये हमारी इंग्लिश की क्लासेस का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में आपको नाउन कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो हमारे उस पहले वीडियो को देखिए जिसमें हमने नाउन कंप्लीट करवा दिया है। और सेकेंड वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और स्टार्ट करने से पहले हमारे आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो प्रैक्टिस सेट में आज हम एरर्स ऑफ नाउन करवाने वाले हैं, जिसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो इसमें एरर क्या होगा? इसमें एरर हो जाएगा हमारे बी पार्ट में, मिस्चीफ्स। मिस्चीफ्स नहीं होगा यहाँ, मिस्चीफ आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो मैंने आपको रूल करवाया था नाउन में, जब मैंने आप पढ़ाए थे कि जब अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ वो हमेशा सिंगल सिंगुलर फॉर्म में हमारे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर आ जाएगा, मिसचीफ होगा, मिसचीफ्स नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर इन द हिल्स। तो इसमें एरर होगा ए पार्ट में। ए पार्ट में इसलिए एरर हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। तो शिप की शिप ही होगी, शिप्स नहीं होगी। तो शिप्स नहीं है, एस नहीं आएगा यहाँ पे, शिप ही रहेगा, ठीक है। थर्ड रूल पे हम, थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो इसमें एरर हो जाएगा सी पार्ट में। सी पार्ट में इसलिए एरर हो जाएगा क्योंकि जो कंटेंट होता है, कंटेंट नहीं होता, ये कंटेंट्स होता है, ठीक है। तो कंटेंट्स यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कंटेंट की जगह। आप रूल्स पढ़ लेना नाउन्स में अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा ये, बाकी मैं बता भी रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। इसमें एरर कहाँ होगा? इसमें एरर हो जाएगा बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर कैसे होगा? मैंने जब रूल्स ऑफ नाउन करवाए थे तो उसमें एक ये रूल भी करवाया था कि अनकाउंटेबल वाला, कि अनकाउंटेबल नाउन पहला तो रूल करवाया था कि ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, दूसरा उसमें ये था कि इनके आगे कभी ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, तीसरा ये था कि प्लुरिटी दर्शाने के लिए मैनी की जगह हमें मच यूज़ करना होगा। तो इसमें बी पार्ट में क्या है, सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट, तो इसकी जगह यहाँ आ जाएगा आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट। तो बी पार्ट में एरर होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। इसमें क्या होगा? सेम रूल अनकाउंटेबल वाला, वर्ड्स वर्ड यहाँ पे किस लिए, वर्ड्स यहाँ किस लिए हुआ, ट्रू टू वर्ड्स मतलब प्रोमिस के लिए वर्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ वर्ड्स नहीं हो जाएगा, सिर्फ वर्ड रहेगा, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ ए पिटी दैट इवन 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज आर एंगेज इन हैज़र्डियस फैक्ट्रीज। इसमें एरर कहाँ होगा? इसमें एरर हो जाएगा बी पार्ट में। कैसे होगा? मैंने आपको रूल बताया था कि एक कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जब हो तो उसमें कंपाउंड वर्ड इज नॉट यूज्ड विद प्लूरल, इन प्लूरल, तो यह प्लूरल में यूज़ नहीं होगा। ये मैंने आपको रूल कराया था, जब एक नाउन वर्ब करे एडजेक्टिव का, तो ये 5 ईयर ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव है ऑफ किसका, बॉयज़ का, तो ये कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आएगा 5 ईयर ओल्ड, ना कि 5 ईयर्स ओल्ड, तो एस यहाँ नहीं आएगा, तो बी पार्ट में एरर है। ओके, सेवन्थ हम करते हैं, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट फॉर डिपोजिटिंग, नो एरर। तो इसमें क्या होगा? वही सेम रूल सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा, 100 रुपीज़ नहीं आएगा, रुपी आएगा, ठीक है। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद दियर ओन प्रॉब्लम्स, नो एरर। तो इसमें क्या एरर होगा? इसमें एरर हो जाएगा बी पार्ट में अगेन, टू गिव एन एडवाइस
वही अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन वाला रूल कि इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एन एक आर्टिकल हो गया, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन एडवाइस कभी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एडवाइस रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट में एरर। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं 9th। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें रूल एरर आ जाएगा सी पार्ट में, क्योंकि कभी भी समबडीज एल्स नहीं होता, इसकी जगह आएगा समबडी एल्सेज। ठीक है, ये जो अपोस्ट्रोफी है वो यहाँ लग जाएगा इसके बजाय। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, नो एरर। तो इसमें कहाँ आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, क्या इसके पार्ट में एरर है? मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि जो जिनके जिन वस्तुओं के दो पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल में रहेंगे। कैसे रहेंगे, जैसे स्पेक्टिकल्स, ठीक है, टोंग्स मैंने बताए थे आपको, जीन्स, इस तरह के वर्ड बताए थे। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल ना होके स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, तो ए पार्ट में हमारा एरर है, यहाँ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर, इसमें क्या होगा, इसमें एरर हो जाएगा ए पार्ट में। और वो कैसे होगा, क्योंकि अब अरेबियन नाइट्स है एक बुक का नाम, तो ये है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के लिए हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो आर की जगह यहाँ आ जाएगा इज। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो मैं आपको बता दूं कि वेकेशंस नहीं होता, सिर्फ वेकेशन होगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ से एस हट जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशो हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा रेशोज़ हैव रन आउट। ओके, रेशो हैज़ रन आउट गलत है। तो देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, इसमें आंसर क्या होगा, इसमें एरर हो जाएगा ए पार्ट में, क्योंकि द टेबल्स वुड ये गलत है, इसका सही यूज़ होगा द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल इसका सही यूज़ होगा, तो ए पार्ट में एरर आ जाएगा। देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, तो इसमें बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि वर्क्स नहीं होता, अ लॉट ऑफ वर्क आएगा, यहाँ एस गलत है। ओके, देखते हैं 16th नंबर क्वेश्चन। ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेज टू हिज फील्ड्स फॉर प्लॉइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने बताया था आपको कुछ सिंगुलर प्लूरल वर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्सेज नहीं होगा, तो इसके ए पार्ट में एरर आ जाएगा, ऑक्सन होगा, ऑक्सेज नहीं होगा। तो देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। अब माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, तो इसमें जब मैंने आपको बताए थे कंपाउंड नाउन के, जब मैंने आपको प्लूरल करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसके साथ ही एस लगता है, तो सिस्टर इन लॉज यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ सिस्टर्स इन लॉ होगा। ओके, तो ए पार्ट में एरर है। अब देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, तो इसमें एरर हो जाएगा सी पार्ट में, शॉप की जगह आएगा शॉप्स, और वो कैसे आएगा, क्योंकि जो एनी वर्ड है, ये एनी वर्ड हमारा शो करता है नंबर ऑफ थिंग्स को, तो जब नंबर ऑफ थिंग्स को शो करेगा तो यहाँ पे शॉप की जगह शॉप्स आ जाएगा। ओके, तो 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे सिंगुलर और प्लूरल के लिए, तो जो न्यूज़ वर्ड है वो हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे आर की जगह हम इज़ का यूज़ करेंगे, तो इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, 20th। इसमें है ए फ्लॉक ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट में एरर, और वो कैसे होगा, क्योंकि जो लॉयंस का जो ग्रुप होता है,
लोयंस के ग्रुप को फ्लॉक नहीं कहते हैं, लोयंस के ग्रुप को कहते हैं PRIDE, प्राइड। ओके, तो जो मैंने वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप करवाए थे आपको पहले चैप्टर में नाउन के, उसमें आप चेक कर लेना। ओके, उसे अच्छे से देखें उस वीडियो को। 21 क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड। तो यहाँ सी पार्ट में एरर आ जाएगा, क्योंकि लैप्स ऑफ गॉड नहीं होता, लैप ऑफ गॉड होगा, ये एस यहाँ एरर होगा। ओके, 22 क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। इसमें एरर किस पार्ट में होगा? इसमें एरर हो जाएगा हमारा ए पार्ट में, क्योंकि जो सेलर्स का ग्रुप होता है उसे गैंग नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है क्रू। ओके, CREW, तो इसमें ए पार्ट में एरर हो जाएगा। देखते हैं 23 क्वेश्चन। इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। इसमें हमारा एरर हो जाएगा बी पार्ट में, क्योंकि पोस्ट पोस्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा पोस्ट से। ओके, पोस्ट से, पोस्ट नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट होगा। ओके, 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट में एरर, क्योंकि क्राइटेरियन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा क्राइटेरियन। ओके, ION हो जाएगा लास्ट में। ओके, अब 25th क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत राय हु कन्विक्ट कोथर्ड एंड डायरेक्टेड एम नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट में एरर। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो वन ऑफ वर्ड है, क्या वन ऑफ, ये हमेशा प्लूरल लेता है, प्लूरल नाउन लेता है ये हमेशा। तो जब यहाँ पे फिल्म मेकर आएगा ना, तो फिल्म मेकर ना रह के ये फिल्म मेकर्स हो जाएगा, क्योंकि जो वन ऑफ वर्ड आएगा ये हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, तो फिल्म मेकर्स हो जाएगा। ओके, तो 26th क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज ऑफ टबैको। तो वही बात हो गई, वन ऑफ वर्ड होगा वो प्लूरल नाउन लेगा, तो यहाँ बैड हैबिट की जगह बैड हैबिट्स हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर। ओके, 27 और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो 27 क्वेश्चन होगा, द बुक्स दैट यू नीड आर केप्ट ऑन द टेबल, नो एरर। और इसमें क्या एरर होगा वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये आज का वीडियो इतना ही था। तो हमारे प्लीज़, अगर आपने आराध्या आर्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे वीडियो, अगर आपके वैरायटी सेट आपको समझ आए होंगे, नाउन आपको समझ आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।